जी मैं हूं नदीम सिद्दीकी मेट्रो 7 सिटी न्यूज़ के साथ। इस वक्त मौजूद हूं मैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, जहां पर सूबाई वज़ीर बल्दियात ने आज 2016 से 2020 तक के जो तमाम जो रुके हुए चेक थे, जो लीव एनकैशमेंट के जो लोग थे, उसमें तकरीबन 10 करोड़ रुपए के चेक तकसीम किए हैं और जो वाजिब अदा थे। और आज तकसीम चेक की तकरीब में आप पीछे देख सकते हैं, काफ़ी लोग जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में अब तक अपने चेक से अपनी मराज से महरूम थे, वो यहाँ पर मौजूद हैं। आइए मजीद जो अफसरान हैं और जो दीगर लोग हैं उनसे मालूम करेंगे और जो जिन लोगों को चेक मिले उनसे बात करेंगे। आइए। मैं डी सी सेंट्रल साहब को और मिनिस्टर जो हैं हमारे सोशल लोकल गवर्नमेंट साहब जो हैं उनको मुबारकबाद देती हूँ कि उन्होंने ये लीव इनकैशमेंट जो है ये लोगों को दिया। और ये लोगों की 4 साल से रुका हुआ था, ये इस तरह नहीं होना चाहिए, तो ये एक अच्छी बात है और ये रिवायत अब बरकरार रहनी चाहिए। बाकी जो हाजिर भी हैं उन सब का होना चाहिए ये काम। मैं 2020 में 18 फरवरी को रिटायर हूँ। मैं तकेमसी दख्तर लगा के तंग हो गया था, लिहाजा मेरे को अब मिला है आज चेक। ये शुक्र है अल्लाह का कि फुल पेमेंट मिली है। इससे पहले मिलता था कि किसी को 10,000 मिल गए, किसी को 15 मिल गए, किसी को 20 मिल गए, ऐसी पेमेंट नहीं होती थी जैसे अब हुई है। अब ये ऐसी हुई है कि किसी के कोई काम तो आ जाएंगे, कुछ मेरे पे कर्जा वो उतर जाएगा, कुछ मेरे घर के मामले आते हैं उसमें जिससे लिया टाइम पे दे दूंगा। हमने तकरीबन 600 चेक्स तकसीम किए और इतने ही हमारे पास पेंडिंग केसेस थे, वो तकरीबन सारे जो है रिजॉल्व हो चुके हैं। और ये इसका क्रेडिट जो है वो गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट को भी जाता है। हमारे एडमिनिस्ट्रेटर साहब बहुत एक्टिव आदमी हैं, हमें भी पुश करते हैं और हमें उनसे एनर्जी मिलती है। तो हमारा टारगेट था यही कि जो रिटायर्ड मुलाजमीन है पहले उनके मसाइल हल करें, फिर अब जो हाजिर सर्विस मुलाजमीन है उनके लिए हम मसाइल उनके भी हल करेंगे, जिसमें उनका इंक्रीमेंट का मसला है और दूसरे मसाइल हैं वो भी हल करेंगे। इस मामले में हम बहुत सीरियस हैं, हमारे पास टेक्निकल सेंक्शन हुआ है और काफ़ी खतीर रकम का हुआ है। उसके लिए हमने प्रोजेक्ट्स जो जितने भी हम टेंडर करेंगे वो यही करेंगे, बजाय इसके कि हम एक कोई बड़ी चीज़ बना लें। जो लोगों के छोटे छोटे मसाइल हैं जिसमें स्ट्रीट लाइट शामिल है, गलियों के रोड शामिल हैं, मेन रोड शामिल हैं, इसके अलावा जो पार्क्स अनडेवलप्ड पार्क्स हैं वो शामिल हैं, पीने के पानी का, सीवरेज के पानी का, ये जहाँ पे भी मसाइल हैं वो हम 1 अरब के टेंडर करने रहे। आपको मैं कुछ नहीं कहता, आप अब देख लीजिएगा तकरीबन अब से 6 महीने बाद जो आपको खुद आपको महसूस होगा कि क्या क्या तब्दीली आई है। आज की तकरीब तो वैसे ही बहुत अच्छी थी, लेकिन मेरी उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारे जो नए एमसी आए हैं, जो डीसी साहब है, हमारे जितने भी लीव इनकैशमेंट या टाइम स्केल का मसला है और जो 25% है, एंड होप कि इंशाल्लाह वो हमें ज़रूर दिलाएंगे। अच्छा काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह कामयाब होंगे। वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए।